बात बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने सीखा था संज्ञा, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने थे? पांच। पांच में से हमने अभी ऑलरेडी सीखा है चार। तो अभी हम सीखेंगे पांचवा वाला। पांचवा वाला कौन सा रह गया है? जातिवाचक संज्ञा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले जान लेंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव, गुण, दोष को सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के लिए उदाहरण है आकाश, अमन, अमर, गायत्री, दिल्ली, बेलगाम आदि, बिल्ली आदि वस्तुओं का या जगहों का या प्राणियों का नाम हम ले सकते हैं। अभी क्या है? संज्ञा के प्रकार यानी कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने थे? पांच थे। तो पांच भेदों में से है पहला वाला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी विशेष शब्द, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? अमर, बेलगाम, मड़गांव, बिल्ली, टेबल, मेज या पेन, कलम आप कह सकते हैं, उदाहरण के लिए कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया व्यक्तिवाचक के लिए उदाहरण। व्यक्तिवाचक के लिए पूरा सेंटेंस में फ्रेम करके उदाहरण आपको कैसे दिया जाए, मतलब अमन घर चल, अमन घर चल, अमन घर चल। यहाँ पे अमन क्या है? व्यक्ति है। ठीक है, मैं दिल्ली घूमने जा रही हूँ, मैं दिल्ली घूमने जा रही हूँ। दिल्ली यहाँ पे क्या है? दिल्ली जो है वो है स्थान है, तो इसे क्या कहते हैं हम? ये स्थान को सूचित करता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। दूसरा वाला जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि क्या है? किसी विशेष गुण, दोष या भाव को सूचित करने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए है प्रेम, त्याग, बुढ़ापा आदि। ठीक है, इसके लिए उदाहरण है, मैं अभी सेंटेंस आपको फ्रेम करके बताऊंगी। बुढ़ापा बहुत दुखदायक होता है। ठीक है, और है मैंने मेरे पापा मम्मा को बहुत प्रेम दिया है। और तीसरा वाला है मैंने अपने लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या था? बुढ़ापा यहाँ पे बहुत ही दुखदायक होता है। बुढ़ापा यहाँ पे क्या है? यह भाव है, यहाँ का भाव को सूचित करता है। और मैंने मम्मी पापा को बहुत प्रेम दिया, प्रेम यहाँ पे क्या है? ये भी भाव है, इमोशनल। ठीक है, और तीसरा वाला जो है मैंने बताया कि जैसे कि आपको त्याग, त्याग ये भी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। और तीसरा वाला जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी कि क्या है? किसी धातु या पाननीय वस्तु को या पदार्थ को सूचित करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है सोना, चांदी, तेल, पानी, कोयला इत्यादि या एक्सेट्रा या आदि आप कह सकते हैं। मैं उदाहरण आपको देती हूँ, यहाँ कोयले की खान बहुत बड़ी है। यहाँ पे कोयले की खान बहुत बड़ी है। यहाँ पे कोयला क्या है? ये भी द्रव्य है, एक पदार्थ या धातु है ये। और जो है यहाँ सोने का भाव आसमान छू रहा है, सोने का भाव जो है आसमान छू रहा है। सोना यानी क्या है? गोल्ड। गोल्ड का, गोल्ड एक धातु है। ठीक है, पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। पानी यहाँ पे क्या है? पदार्थ है, यानी कि पाननीय एक धातु और पानी या पाननीय कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया द्रव्यवाचक के लिए उदाहरण। अभी जो रह गया है समुदायवाचक। समुदायवाचक जो है, या समुदायवाचक आप कह सकते हैं किसी विशेष व्यक्ति या एक से अधिक वस्तुओं का या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह, यानी कि झुंड हो या समूह दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं?
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है कि छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ दूसरा वाला जो है वहाँ हाथियों का झुंड जा रहा है, या कह सकते हैं वहाँ बहुत सारे चूहे भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको जैसे बताया कि कक्षा में बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा यहाँ पे क्या है, ये झुंड है, छात्र यानी कि छात्र जो है यहाँ पे एक बहुत सारा झुंड है, एक ही छात्र नहीं है, छात्राएं बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे कहलाता है छात्र। दूसरा वाला जो है वो है, मैंने आपको कहा कि हाथियों का झुंड जा रहा है, झुंड यहाँ पे क्या है, ये एक समूह को बोध करता है। तीसरा वाला जो है चूहों, बहुत सारे चूहों का भागदौड़ चल रहा है, बहुत यानी क्या है, ये भी बहुत सारे समूह का उदाहरण है। चलिए आप जानेंगे आखिरी वाला जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा है, अभी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर भी आपको एक बार मैं ये लिखने से पहले आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। जातिवाचक संज्ञा यानी कि क्या है, किसी विशेष शब्द को या जाति को, व्यक्ति स्थान को, संपूर्ण जाति को बोध कराता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है पंछी पेड़ पर बैठे हैं, पंछी यहाँ पे क्या है, एक जाति है, वो पेड़ पर बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चे क्या है, ये भी एक जाति है, बच्चों की यानी कि बच्चों की पर्टिकुलर एक जाति है, जो बच्चों बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जातिवाचक के लिए हैं। तो अभी चलिए हम डेफिनेशन लिखकर आपको फिर से एक बार समझाएंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको फिर एक से बार दोहराऊंगी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इट मीन्स किसी विशेष पर्टिकुलर एक व्यक्ति या स्थान या वस्तु को पर्टिकुलर शब्दों को एक बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति, जैसे कि आप एक सब्जियों की जाति कह सकते हैं, या तो प्राणियों की जाति कह सकते हैं, या मनुष्य की जाति कह सकते हैं, बोध कराते हुए उन जैसे शब्दों को बोध कराते हुए हम शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है, पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं, पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे बच्चे क्या है, एक जाति है, ठीक है, ये मनुष्य जाति है। इसके बाद क्या है, बिल्ली चूहे खाती है, बिल्ली भी एक जाति है और चूहा भी एक जाति है, ठीक है। उसके बाद पेड़ों पर पंछी पक्षी बैठे हैं, यहाँ पे पेड़ भी एक जाति है और पक्षी भी एक जाति कह सकते हैं आप। ये हो गया संज्ञा और संज्ञा के ये पूरे 5 प्रकार। अभी हम अगले क्लास में सीखेंगे दूसरा वाला कुछ, ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, संज्ञा और संज्ञा के प्रकारों को आपको ठीक तरीके से जान लेना है, ठीक है, ये एक बार अपने क्लास वर्क में ठीक से एक बार उतार कर पूरा फर्स्ट टू टिल यहाँ तक आपको क्लास वर्क में उतारना है। धन्यवाद।